Okay, so it is time to start. So today we'll start with new topic, that is torque. Okay, torque क्या होता है? दो टाइप के टॉर्क होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स और एक को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल. तो बिफोर वी गो इन टू डिटेल्स ऑफ वॉट इज टॉर्क, हमको पहले पता होना चाहिए वॉट इज द रिजिड बॉडी. क्यों? क्योंकि जब भी आप टॉर्क की बात करते हो, अभी देखो टॉर्क में दो टाइप के टॉर्क है, एक को आप बोलते हो मोमेंट ऑफ फोर्स. जहाँ पे भी मोमेंट ऑफ ये वर्ड सुनोगे मतलब इट इज रिलेटेड टू रोटेशन ऑफ अ बॉडी. तो मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब एक सिंगल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोड्यूस रोटेशनल इफेक्ट, दैट वी विल डेफिनेटली सी इन अ वाइल, हम देखेंगे. एंड व्हेन यू से मोमेंट ऑफ कपल, तो मोमेंट ऑफ कपल जब आप बोलते हो तो इन दैट केस यू शुड नो कि यहाँ पे दो फोर्सेस मिलके रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे. लेकिन इन एनी केस व्हेन यू से रिजिड मतलब टॉर्क जब बोलते हो तो हम लोग रिजिड बॉडी की बात करते हैं. तो रिजिड बॉडी क्यों? क्योंकि आगे समझेगा आपको वाई रिजिड बॉडी. तो रिजिड बॉडी आपको लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज अ रिजिड बॉडी. तो जस्ट टू समराइज, हमको आज देखना है क्या देखना है हमको आज टॉर्क. टॉर्क के कितने टाइप है? दो, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ कपल. मोमेंट ऑफ फोर्स के केस में एक सिंगल फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? रोटेशन. और मोमेंट ऑफ कपल के केस में दो फोर्सेस मिलकर क्या प्रोड्यूस करते हैं? रोटेशन. लेकिन किसके रोटेशन की बात कर रहे हो? रिजिड बॉडी के. रिजिड बॉडी क्यों? बताता हूँ क्यों. तो बेसिकली रिजिड बॉडी इज अ सॉलिड. Why do we take rigid body? उसका एक स्पेसिफिक रीजन है. तो रोटेशनल मोशन जब हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मली वी टॉक अबाउट सॉलिड बॉडी जो रिजिड बॉडी. अभी रिजिड बॉडी क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है एंड एज यू नो बाय नाउ, अब तक तो पता होगा ही आपको, हमने ये बहुत सारे केसेस में देखा था सॉलिड के अंदर हाउ आर पार्टिकल्स अरेंज्ड. तो दिस इज पीरियोडिक अरेंजमेंट. पीरियोडिक मतलब एक फिक्स डिस्टेंस के बाद वी ऑलवेज फाइंड अ पार्टिकल. तो पहले दो पार्टिकल में जितना डिस्टेंस है उतने अगले दो में उतने अगले दो पार्टिकल्स में डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक अरेंजमेंट. और डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव पार्टिकल्स ऑलवेज सेम. दैट इज क्लियर. अभी रिजिड क्या होता है? सीधा आइडिया हियर इज, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे इस बॉडी पे कितना भी फोर्स लगा दूं, so if I apply force of any magnitude, the distance between any two particles does not change, मतलब will remain same. ऐसे body को बोलते हो आप rigid body. तो what is rigid body? It is a body in which the distance between any two particles remains same, irrespective of या तो under the application of force of any magnitude. तुम जितना भी force लगा लो, distance between the two particles will remain same. बाय द वे ये थियोरेटिकल है, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा कोई बॉडी नहीं है जिस पे तुम कितना भी फोर्स लगा रहे हो और डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा. तो ये थियोरेटिकल है. यहाँ पे जब मैं बोलता हूँ फोर्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि लार्ज फोर्स भी अप्लाई किया तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा. अब ऐसा क्यों लेना है? हम लोग रोटेशनल मोशन में इस रिजिड बॉडी ही क्यों कंसिडर करते हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से ये जो बॉडी है ये रोटेट हो रहा है. मैं रिजिड बॉडी डिफाइन करूंगा, लेकिन रिजिड क्यों? रोटेशन जब होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटेशन? जब रोटेशन होगा तो ये सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे? दे विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, करेक्ट. लेकिन अगर बॉडी रिजिड नहीं हुआ तो व्हेन द बॉडी रोटेट्स इन एडिशन टू रोटेशनल मोशन द पार्टिकल्स विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. तो वहाँ पे एनर्जी का एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ जाएगा जिसको तुम बोलते हो वाइब्रेशन एनर्जी. तो तीन टाइप के एनर्जीज होते हैं विद अ बॉडी विच इज इन मोशन. एक होता है ट्रांसलेशनल, जिसको तुम बोलते हो हाफ एमजी स्क्वायर. व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन देन द एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट बॉडी इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन. जब बॉडी रोटेट होता है, अगर प्योर रोटेशन है, तो जो भी एनर्जी एसोसिएटेड विद बॉडी होगा उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. उसका फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो आप 12th के पहले चैप्टर में डिराइव करोगे वो तब देखेंगे हम लोग. लेकिन रिमेंबर, अगर आपका बॉडी रिजिड नहीं है तो रोटेशन के साथ क्या होगा? वाइब्रेशन. तो एनर्जी उसमें और एक आ जाएगा, इन एडिशन टू रोटेशनल एनर्जी देयर विल बी वाइब्रेशनल एनर्जी.
तो इसके लिए हम लोग जब यहाँ पे रोटेशन की बात करते हैं तो हमारा अजम्पशन होता है कि जो भी बॉडी हमने कंसिडर किया वो कौन सा बॉडी होना चाहिए, रिजिड। रिजिड बॉडी मतलब क्या, अ बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स रिमेन्स सेम अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑफ एनी मैग्नीट्यूड। तो आप चाहे उतना फोर्स लगा दो, इस केस में डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स विल नॉट चेंज। ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी देने का सिर्फ रीजन इतना है कि जब बॉडी रोटेट होगा तो पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर पार्टिकल्स रोटेशन के साथ वाइब्रेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी भी लेना पड़ेगा। वो हम 12th के चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे, ऑसिलेशंस में, राइट। तो अब हमको टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल समझने के लिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, देखो एज आई जस्ट सेड, जब एक बॉडी रोटेट होगा, कोई भी बॉडी रोटेट होगा, तो ये जो बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। वेरी गुड। सो व्हेन अ बॉडी रोटेट्स ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर आप नोटिस कर रहे हो, ये जितने भी पार्टिकल्स हैं जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, उन सबके सेंटर एक कॉमन लाइन पे है। इस कॉमन लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स द सेंटर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशन, द सेंटर्स ऑफ ऑल दिस सर्कल्स लाय अलोंग अ कॉमन स्ट्रेट लाइन, और ये जो कॉमन स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई रिपीट अगेन, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब एक रिजिड बॉडी रोटेट होगा तो हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो हर एक सर्कल का सेंटर है, तो सारे के सारे सर्कुलर मोशन के जो सेंटर्स है वो एक कॉमन लाइन पे आ गए, उसको क्या बोल दिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। दरवाजे के केस में, क्योंकि दरवाजा मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि डोर इज समथिंग दैट इज लाइक यू कैन कनेक्ट विद रियल लाइफ। तो डोर जब ओपन या क्लोज करते हो तो डोर क्या परफॉर्म करता है, रोटेशनल मोशन। तो डोर का हर एक पार्टिकल, इमेजिन डोर पे आपने बहुत सारे मार्किंग कर दिए तो वो हर एक पार्टिकल बन गया, तो जब डोर रोटेट होगा तो हर एक पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन। तो उन सबका कॉमन सेंटर कहाँ लाई करेगा, ये जो तो देख रहे हो ना हिंजेस दिख रहे भेजा करें, तो वो जो हिंजेस है दैट बिकम्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन। गुड। तो व्हेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशन। The centers of all these circles lie on a common straight line. और ये जो लाइन है, दिस लाइन इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बेसिकली हम ये सब डेफिनेशंस यहाँ पे बना के 12th का बेस पक्का कर रहे हैं, क्योंकि 12th का पहला चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स। अगर आपको ये कॉमन चीज़ें नहीं पता होगी, बेसिक टर्म्स नहीं पता होंगे, तो रोटेशनल डायनामिक्स समझेगा नहीं, तो ज़्यादा क्लियर। नाउ विल टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ टॉर्क। So there are two types of torque, as I just said, moment of force and moment of couple. So we'll see the first type of torque, which is moment of force. Moment of, remember, इसके आगे जहाँ पे भी तुम ये word सुनोगे, moment of is always related to rotation. तो जब भी मोमेंट ऑफ जो वर्ड आया, मतलब वो जो टर्म है वो रोटेशन के साथ एसोसिएटेड है।
तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? एज आई जस्ट टोल्ड यू कि जब एक सिंगल फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस करे उसको बोलते हो मोमेंट ऑफ फोर्स। मैं एग्जांपल बताता हूँ, आई स्टार्ट विद सम बेसिक्स। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अभी ऑफकोर्स जितना रिक्वायर्ड है उतना ही मैं लिखने वाला हूँ, बाकी तो आपको नोट्स दिए ही है, तो आई नॉट पुट अननेसेसरी थ्योरी है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। नाउ इफ यू रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, आप फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ऑन दिस बॉडी, द बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो जब तक एक बॉडी पे एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता तब तक इट रिमेन्स एट रेस्ट, मतलब द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। लेकिन जैसे ही आपने इसमें एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा दिया, द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब बेसिकली ऐसा है कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर मोशन। लीनियर को इसके आगे हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। रीजन बहुत सिंपल है, लीनियर कब बोलते हैं, ट्रांसलेशन कब बोलते हैं? देखो, लीनियर आप कब बोलते हो, जब आपके पास एक पॉइंट पार्टिकल हो, मतलब सिर्फ एक पॉइंट पार्टिकल है, ये एक्सटेंडेड बॉडी है, ये एक पॉइंट जैसा नहीं है। जब आपके बॉडी पॉइंट जैसा, तो आप बोलते हो दैट द पार्टिकल इज इन लीनियर मोशन। जब एक एक्सटेंडेड बॉडी, बड़ा बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। ज़्यादा क्लियर? तो द आइडिया इज, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, देन द बॉडी रिमेंस एट रेस्ट, दैट द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। बट व्हेन यू अप्लाई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, देन द बॉडी स्टार्ट्स परफॉर्मिंग ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन मोशन, लेकिन लेकिन फोर्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन। सो अनबैलेंस्ड फोर्स इज ऑल्सो कैपेबल, मतलब हैज द एबिलिटी, इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग टर्निंग इफेक्ट मतलब रोटेशन, दैट इज रोटेशन और रोटेशनल मोशन। तो जैसे एक अनबैलेंस्ड फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस कर सकता है, वैसे ही अनबैलेंस्ड फोर्स ऑल्सो हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, मतलब इट हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस रोटेशन। लेकिन उसका कुछ एक रिक्वायरमेंट है कि फोर्स लीनियर मोशन कब परफॉर्म करेगा, मतलब फोर्स लीनियर मोशन में बॉडी कब सेट करेगा, और फोर्स रोटेशनल मोशन कब प्रोड्यूस करेगा, वो देखेंगे हम लोग, विल सी दैट। तो जो टर्निंग इफेक्ट है, दिस टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय फोर्स इज नोन एज, क्या बोलते हो, इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। सो दिस टर्निंग इफेक्ट या फिर द एबिलिटी ऑफ द फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशन इज नोन एज टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स। द एबिलिटी ऑफ अ फोर्स टर्निंग इफेक्ट इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स और बेसिकली टॉर्क। अभी जो मोमेंट ऑफ फोर्स है या तो टर्निंग इफेक्ट है या टॉर्क है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। अभी वो दो चीजें कौन सी, तो थोड़ा ध्यान देना, अब इसके आगे हम लोग डेरिवेशन की तरफ जाएंगे। विल डिराइव फॉर्मूला व्हिच इज बेसिकली सिंपल, लेकिन कुछ नए टर्म्स आपको पता होने चाहिए। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे कुछ वर्ड्स नए सुनोगे आप तो ध्यान देना। लेट अस से दिस इज अ बॉडी जस्ट लाइक द डोर। अब जो डोर है वो हमने एक साइड पे फिक्स करके रखा है, जहाँ पे हिंजेस लगाए तो हमने बिजागरे, तो वो बन गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रिमेंबर, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब आप डोर ओपन या क्लोज करते हो, आपने एक जनरल एक्सपीरियंस किया होगा, जितना आप एक्सिस से पास में फोर्स लगा रहे हो, उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टू ओपन और क्लोज द डोर। जितना आप एक्सिस से दूर फोर्स लगाओगे, उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा टू ओपन और क्लोज द डोर, मतलब टू प्रोड्यूस द सेम रोटेशनल इफेक्ट। द अमाउंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन where you are applying the force,
कभी करके देखना, या क्लास खत्म होने के बाद ही बहुत सारे दरवाजे यहाँ पे, यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट। एक्सिस ऑफ रोटेशन के बहुत पास में अगर आप फोर्स लगाओगे तो यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स, मतलब यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स टू ओपन और क्लोज द डोर। अगर दूर लगाओगे तो देन इट इज मैटर ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, ऐसा से धक्का भी देंगे तो बंद जाता है, राइट करेक्ट। तो ये जो रोटेशनल इफेक्ट है, मतलब ये जो टॉर्क है या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो कौन से दो चीज़ों पर डिपेंड करता है हमको देखना है। सबसे पहले आपने जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया, लेट अस से मैंने पी पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया, इस पी पॉइंट को मतलब बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन, एक्शन मतलब फोर्स। तो डोर को ओपन क्लोज करने के लिए, मतलब बॉडी को रोटेट करवाने के लिए, यू विल अप्लाई फोर्स समवेयर। जिस पॉइंट पे तुमने फोर्स लगा दिया, दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ एक्शन। अब फोर्स का डायरेक्शन भी मैटर करेगा, मतलब आइडिया ये चलो हमारे पास सराउंडिंग्स में इतनी सारी चीज़ें होती हैं टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। अभी ये एक बॉडी है विच कैन रोटेट, इमेजिन दिस इज बॉडी विच कैन रोटेट। अब मुझे इसको ओपन या क्लोज करना है, तो फोर्स मैं लगा रहा हूँ एक पॉइंट पे, वो क्या बन गया, पॉइंट ऑफ एक्शन। अब फोर्स का डायरेक्शन नॉर्मल भी हो सकता है, फोर्स का डायरेक्शन ऐसा भी हो सकता है, फोर्स का डायरेक्शन ऐसा भी हो सकता है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन चेंज। हम भी जब डोर ओपन या क्लोज करते हैं तो हम ध्यान नहीं देते कि हमने कहाँ फोर्स लगाया, कितने कौन से डायरेक्शन में लगाया, हम सिर्फ धक्का दे देते हैं उसको। कैसे जाते हो डोर के पीछे खड़े रहते हो और देखते हो बराबर 90 डिग्री है क्या, हाँ मैं अब फोर्स लगाऊंगा, यू डोंट डू दैट। तो जिस डायरेक्शन के अलावा आप फोर्स लगाते हो उसको बोलते हो लाइन ऑफ एक्शन, क्या बोलते हो उसको, लाइन ऑफ एक्शन। सो द डायरेक्शन अलोंग विच द फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्शन। तो मान लो मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो दैट बिकम्स लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन। मैं इसको बोलूंगा एल ओ ए, एल ओ ए स्टैंड्स फॉर लाइन ऑफ एक्शन। तो एल ओ ए इज लाइन ऑफ एक्शन, करेक्ट। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन तक का मिनिमम डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट आर, क्या बोलते हैं इसको, मोमेंट आर। और आपको पता होगा मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब लाइन ऑफ एक्शन और एक्सियल रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन और एक्सियल रोटेशन, इज दिस डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस, नो ऑफ कोर्स नो। तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, एक्सियल रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन पर क्या ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल कितना बन गया, 90। इसको हम लोग बोलेंगे मोमेंट आर। तो एस क्या है हमारा, मोमेंट आर, एस क्या है हमारा, मोमेंट आर। और ये जो डिस्टेंस है मैं इसको स्मॉल आर बोल देता हूँ, राइट क्लियर। हमको मोमेंट ऑफ फोर्स डिफाइन करना है, हमको मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क का एक्सप्रेशन चाहिए। मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क का एक्सप्रेशन के लिए आपको पहले ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, इट इज वेरी सिंपल बट इट इज वेरी यूजफुल ऑल्सो। बहुत सिंपल चीज है, अगर तुमको किसी भी बॉडी को रोटेट करवाना है तो यू हैव टू अप्लाई फोर्स। तो किसी तो पॉइंट पे अप्लाई करोगे, जिस पॉइंट पे अप्लाई करोगे उसको क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ एक्शन। द पॉइंट एट विच द फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ एक्शन। द डायरेक्शन अलोंग विच द फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्शन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर द मिनिमम डिस्टेंस या फिर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एज मोमेंट आर। वो आर हमारे हमारे ये जो बॉडी का पार्ट है आर, वहीं से आया है वो, तो मोमेंट आर। यहाँ तक क्लियर, बराबर गुड। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय अ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। नंबर वन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तुम कितना फोर्स लगा रहे हो और कौन से डायरेक्शन में लगा रहे हो। सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर डायरेक्शन ऑफ एक्शन भी बोल सकते हो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और दूसरा डिपेंड करता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मोमेंट आर, है ना, लाइन ऑफ एक्शन। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन। आई नो इट इज संडे, आई एम सॉरी फॉर
टेकिंग दिस एक्स्ट्रा क्लास ऑन मंडे बट आई वांट यू टू बी अवेक, इसलिए मैं बीच में जानबूझ के उल्टे सीधे वर्ड्स बोलूंगा एंड आई वांट टू चेक इफ यू आर पेइंग अटेंशन और नॉट। तो इस पर डिपेंड करता है, मोमेंट आर्म पर डिपेंड करता है। मोमेंट आर्म खुद क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन। तो वो जो नोट्स पर लिखा है मैंने वहाँ पर डायरेक्टली मोमेंट आर्म में लिखा, मैंने लिखा है इट डिपेंड्स ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन विच इज कॉल्ड एज मोमेंट आर्म। क्लियर? गुड। और इसको ऐसा ही सिंपल ही रखता है क्योंकि फिजिक्स इज सिंपल। आई कीप ऑन सेइंग इट अगेन एंड अगेन, कुछ नहीं है ये, इट इज स्टोरी राइटिंग है ही वैसा, तुमको समझ में आया लिखना है, क्या प्रॉब्लम है? हो गया, आ गया। ये तो अभी हमको समझ में आ गया कि टर्निंग इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है, फोर्स पर डिपेंड करता है, मोमेंट आर्म। फोर्स मतलब एफ, ये जो तुमने एक्शन लगा दिया वो एफ, और मोमेंट आर्म मतलब एस। तो बाय डेफिनेशन मोमेंट ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म एंड मोमेंट आर। तो मैथमेटिकली स्पीकिंग, मैथमेटिकली ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है ये प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है? फोर्स का और मोमेंट आर्म का। सिंपल, वेरी गुड। तो देयरफोर टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क, और टॉर्क को हम हमेशा लिखते हैं टाउ से, दिस इज टॉर्क। तो टाउ क्या हो गया? एस इंटू एफ, मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, एस इंटू एफ। यहां तक क्लियर? बट इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, व्हाट विल बी एस इफ आई टेक दिस एस थीटा? चलो, व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? तो फ्रॉम डायग्राम व्हाट यू विल हैव इज, from diagram you will get sin theta equal to, sin theta equal to s by r, so s by r, so what is s? R sin theta. From equation number 1 and 2, therefore from equation number 1 and 2 you will get torque equal to r sin theta into f, matlab torque is rf sin theta. Aur agar aapko yaad hoga ए बी साइन थीटा ये होता है ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड, तो आर एफ साइन थीटा क्या होगा? आर बार क्रॉस एफ बार का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर रोटेशन में टॉर्क क्या है? आर बार क्रॉस एफ बार, बराबर, राइट? तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क। क्लियर है तक? गुड। तो सो फार व्हाट वी हैव डन इज वी हैव जस्ट introduce the concept of moment of force, moment of matlab rotation, force matlab single force which can produce rotation, usko torque bolte ho, right? To ye torque ya fir moment of force kya hota hai? It is basically the ability of a force to produce rotational motion. Define kaise karoge? It is a product of magnitude of moment arm and force. The moment arm kya hota hai? It is a perpendicular distance between axis of rotation and line of action. Ye line of action kya hota hai? The direction along which जो फोर्स एक्ट्स, डन, दैट्स इट। तो टॉर्क इक्वल टू एस इनटू एफ, एस इज आर साइन थीटा, तो टॉर्क इज आर एस, सॉरी आर साइन थीटा इनटू एफ मतलब आर एफ साइन थीटा, तो आर बार क्रॉस एफ बार। क्लियर? दिस इज ऑल यू नीड टू नो, इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आ जाते हैं दूसरे टाइप के टॉर्क पे। तो टॉर्क का और एक टाइप है, वैसे यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन अ वाइल। जो तो दूसरे टाइप का टॉर्क है इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल, इसको भी टॉर्क ही बोलते हैं। ये भी वही काम करता है जो मोमेंट ऑफ फोर्स करता है, रोटेशन प्रोड्यूस करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इफ यू नोटिस मोमेंट ऑफ फोर्स के केस में ये जो बॉडी है ये एक पर्टिकुलर लाइन के अराउंड फिक्स होना चाहिए। तो दरवाजा जो होता है वो एक्ट मतलब वो बिजागरे जो है वहाँ पे हिंजेस है, उस लाइन का नाम क्या है? फिक्स है, करेक्ट? अब इमेजिन मैंने दरवाजा को फिक्स किया ही नहीं और धक्का दे दिया, इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग ट्रांसलेशनल मोशन। तो ऐसे भी केसेस होते हैं कि जहाँ पे द बॉडी इज नॉट फिक्स्ड,
तो उस केस में तुम सिंगल फोर्स लगाओगे तो देन इन दैट केस सिंगल फोर्स विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस रोटेशन, इट विल प्रोड्यूस ट्रांसलेशन. तो जब ऐसे केसेस हो, व्हेन यू हैव अ बॉडी विच इज नॉट फिक्स्ड एनीवेयर, यू हैव जस्ट यू हैव अ बॉडी और आपने सिंगल फोर्स लगा दिया, तो दिस सिंगल फोर्स, लेट अस से आई अप्लाई अ फोर्स हियर, दिस सिंगल फोर्स विल बेसिकली प्रोड्यूस ट्रांसलेशन. तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे दो फोर्सेस लगाते हैं. ये जो दो फोर्सेस है, दो दो मतलब कपल, इसलिए इसको मोमेंट ऑफ कपल बोलेंगे. वेल, इस केस में भी रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस है, देर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन बट देर एक्टिंग एट द सेम पॉइंट. तो जब दो इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस, इफ दे स्टार्ट एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, द नेट फोर्स इज जीरो. तो इस केस में भी रोटेशन नहीं होगा. तो रोटेशन होगा कब? जब आपके पास ये दो फोर्सेस है एंड इफ दिस टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स. और कोई फर्क नहीं पड़ता, नोट्स में तो ऐसा दिया है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सेम थिंग, डजंट मैटर. नोट्स में ऐसा भी दिया होगा, इट्स ओके, इट्स द सेम थिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स द सेम थिंग. तो यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस है, बोथ फोर्सेस दे आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दे आर पैरेलल टू इच अदर बट दे आर एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट एंड दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन. ऐसे दो फोर्सेस क्या बोलोगे? कपल. तो कपल डिफाइन कैसे करोगे? टू इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ बॉडी इज नोन एज कपल. कपल भी कपल है, तो कपल है, तो कपल को कपल ही बोलेंगे ना, राइट? तो डिफाइन कैसे करोगे? टू इक्वल एंड अपोजिट भी बोल सकते हो, इक्वल एंड पैरेलल बोल सकते हो, क्योंकि आई जस्ट मेक इट लिटिल शॉर्ट. टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ बॉडी, टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट, मतलब मेक्स अ कपल, कॉन्स्टिट्यूट अ कपल, राइट? तो ये हो गया कपल का डेफिनेशन. तो जैसे आपने मोमेंट ऑफ फोर्स डिफाइन किया था, मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे डिफाइन किया था? द एबिलिटी ऑफ अ फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशनल इफेक्ट और टर्निंग इफेक्ट वाज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स. वैसे मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा? What is moment of couple? अरे बताओ, the ability of a couple to produce rotational effect or turning effect is called a moment of couple. The ability of a couple to produce turning effect या फिर rotational effect. मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ कपल सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है. अभी चेंज क्या है? तुमने यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए क्या बोला था? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट. पहली बात तो कपल में एक फोर्स है नहीं, दो फोर्स है, तो कौन से फोर्स की बात करते हो? तो हम लोग बोलते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस. अभी वन ऑफ द फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्यों बोला? क्योंकि अगर इसको मैं पॉजिटिव फोर्स ले रहा हूँ तो इसको क्या दूंगा? नेगेटिव. क्योंकि डायरेक्शन क्या है? तो तुम दोनों में से कोई भी फोर्स उठाओ उसका मैग्नीट्यूड लो, राइट? तो मोमेंट ऑफ कपल टॉर्क इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, दोनों में से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है, इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. पिछले केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सियल रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन, यहां पे भी वही है, सिर्फ डेफिनेशन चेंज है. यहाँ पे तुमने मोमेंट आर्म का डेफिनेशन चेंज कर दिया. तुमने यहाँ पे मोमेंट आर्म को क्या बोल दिया? मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. पिछले केस में मोमेंट आर्म क्या था? इट वाज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सियल रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन. यहाँ पे मोमेंट आर्म क्या है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. ऐसा लिखते नहीं है,
कि वी डिफाइन मोमेंट ऑफ आर्म एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ऐसे बोलते नहीं है लेकिन लॉजिकली बात वही है। बट तो लॉजिकली अगर वही बात है तो एक काम करेंगे अब जस्ट मिनट, तो वी विल जस्ट डिफाइन, डिफाइन हो गया था ओके गुड। तो अभी हम लोग मोमेंट ऑफ कपल मतलब टॉर्क को डिफाइन कर लेंगे। तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट, एज द प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the two forces। और अगर आपको याद होगा हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद उस डायपोल पे दो फोर्स एक्ट हो रहे थे, एक था इनका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा था अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब दो फोर्सेज दो अलग अलग पॉइंट पर एक्ट होते तो क्या होता है, रोटेशन। तो इलेक्ट्रिक डायपोल रोटेट हो रहा था, तभी भी हमने पता था कि यहाँ पे टॉर्क एक्ट हो रहा है, टॉर्क का डेफिनेशन यही लिखा था हमने। तो हमने क्या हुआ था, टॉर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, दोनों में से कोई भी फोर्स उठाओ एफ उसका मैग्नीट्यूड और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से कौन है, आर। तो आर सिर्फ यहाँ पे मैंने साइन नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे साइन 90 है, क्यों 90 है, क्योंकि आर बार और एफ बार का एंगल कितना है 90 है। तो बेसिकली सेम चीज है, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे एंगल 90 है तो साइन 91 होता है, तो हम लिखते ही नहीं है। लेकिन अगर एंगल 90 नहीं हो तो फिर तुम क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, आर एफ साइन थीटा, व्हाट इज आर एफ साइन थीटा, आर बार क्रॉस आर। तो सेम है, सेम चीज है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स में नाम में ये मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट ऑफ फोर्स में एक सिंगल फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, रोटेशनल इफेक्ट, और मोमेंट ऑफ कपल में कितने फोर्सेस लगते हैं, टू फोर्सेस। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। गुड, मोमेंट ऑफ फोर्स इसको डिफाइन कैसे किया था, हाउ डू यू डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, उधर एक ही फोर्स है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एक्सियल रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन। और इन केस ऑफ मोमेंट ऑफ कपल it is the product of magnitude of one of the forces and perpendicular distance between two forces, so that is the basic concept। So yahan tak clear, baki sab kuch same hai, par ye yaad rakhna aage jaake bahut kaam mein aayega। So once you have understood all this, ab agla topic hai I as far as can recall mechanical equilibrium naam ka topic hoga aage। तो आज सारे टॉपिक्स हैं, सिंपल सिंपल आ रही है लाइट टॉपिक्स, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। चलो अभी हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात कर ही रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा भी बता दूंगा इसमें, क्योंकि 12 में लगने वाला है आपको थर्मोडायनामिक्स में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जब भी मैकेनिकल ये वर्ड सुनो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड, what is, what do you mean by mechanical properties of solids, सब बताया था मैंने आपको। मैंने आपको ये बताया था कि आपको किसी मटेरियल का स्टडी करना है तो स्टडी करना मतलब क्या, उसके प्रॉपर्टीज का स्टडी करना है, कौन से प्रॉपर्टी का स्टडी कर सकते हो, करंट पास करके देख सकते हो उसको, बोलोगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, करंट पास हो गया तो गुड कंडक्टर, नहीं हो तो बैड कंडक्टर, टेम्परेचर चेंज करके देख सकते हो उसको बोलोगे थर्मल प्रॉपर्टीज, बराबर करेक्ट। फिर मैंने आपको तभी बताया था कि जब तुम एक बॉडी का स्टडी कर रहे हो बाय अप्लाइंग फोर्स टू इट, तो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब क्या होता है, मैकेनिकल, तो मैकेनिकल मतलब फोर्स,
क्लियर। तो मैं वापस बता रहा हूँ आपको, अगर आपको एक मटेरियल का स्टडी करना है, अब जब मैं मटेरियल बोल रहा हूँ तो देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। हम लोग फिलहाल बाकी दो की बात नहीं कर रहे हैं। प्लाज्मा होता है लेकिन एट वेरी हाई टेम्परेचर, देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज बोस आइंस्टाइन दैट यू कैन मेक ओनली इन लैबोरेटरी, उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, बात कर रहे हैं सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। मुझे अगर सॉलिड्स का स्टडी करना है, क्योंकि लिक्विड्स एंड गैसेज आपका पूरा ट्वेल्थ में है एज फार एज योर स्टेट बोर्ड सिलेबस इज कंसर्न, तो हमने 11th स्टैंडर्ड में कम से कम अब तक सिर्फ सॉलिड्स की ही बात की है। तो मुझे अगर सॉलिड्स का स्टडी करना है तो सॉलिड्स का स्टडी करना मतलब कुछ प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल उस सॉलिड का कलर ब्लैक है, उस सॉलिड का कलर लेट अस से वाइट है, राइट। ये विजुअल प्रॉपर्टी हो गए, मतलब वो दिखता कैसा है। देन यू मे ट्राई टू पास करंट थ्रू इट, करंट मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो आप करंट पास करके देख सकते हो। आप उसी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करके ले सकते हो, तो हाउ डज दैट पर्टिकुलर सॉलिड रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन टेम्परेचर, उसको बोलते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज। आप उसी सॉलिड के ऊपर फोर्स लगा के भी देख सकते हो, तो हाउ डज दैट सॉलिड रिस्पॉन्ड टू द एक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, सही है। तो मैंने यहाँ पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम लिखा है, तो व्हाट डू यू थिंक इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, बैलेंस्ड। मैकेनिकल मतलब फोर्स, तो अभी बताओ नेट फोर्स जीरो, सिंपल सी बात है। इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, अभी देखो कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट है या फिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो हो सकता है या पूरे सिस्टम पे भी फोर्स जीरो हो सकता है। तो इसलिए लिखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल और अ सिस्टम, वेयर सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। सो इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल और सिस्टम इज जीरो, देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मतलब नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि फोर्स लग ही नहीं रहा। नेट फोर्स का मतलब जीरो होने का मतलब होता है कि फोर्सेस क्या हो गए, कैंसल आउट हो गया, बैलेंस हो गए। अत क्लियर। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स इज जीरो, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फ्लो ऑफ हीट इज जीरो, नेट फ्लो ऑफ हीट इज जीरो, हीट फ्लो नहीं हो रहा। और हीट फ्लो कब नहीं होता, चलो उल्टा सोचो, हीट फ्लो कब होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, बराबर। तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन, क्लियर। तो मैंने बोला कि हीट फ्लो नहीं हो रहा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट, टेम्परेचर से। तो ऐसा सिस्टम जहां पे टेम्परेचर हर एक पार्ट का सेम है या फिर दो बॉडीज का सेम टेम्परेचर है, तो उसको क्या बोलोगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। द सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ ऑल द बॉडीज इन्वॉल्व इन दैट सिस्टम आर एट कॉमन टेम्परेचर, जिसको तुम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बोलते हो। तो ऐसे अलग अलग टाइप के आपको इक्विलिब्रियम सीखने हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम भी होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है व्हेन देयर आर नो ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शंस इन अ सिस्टम, सिस्टम में कहीं पे भी ऑनगोइंग केमिकल रिएक्शंस नहीं है, तो हम लोग 12th में देखेंगे, बट फिलहाल तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे फोकस करेंगे। तो इफ इफ तो व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, हमने भी बताया, तो बताओ मेरे को क्या है। ओके, इफ इफ द नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल और अ सिस्टम zero, then the particle or the system, particle or the system is said to be, is said to be in mechanical equilibrium. इसके बहुत सारे मतलब होते हैं। पहली बात तो जब हम लोग बोल रहे हैं कि सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, मतलब ओवरऑल सिस्टम पे फोर्स जीरो है, देयर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑन द सिस्टम, और इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम के अंदर भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं है।
सिस्टम पे बाहर का फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कितना है? जीरो है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या है? बैलेंस है। मतलब सिस्टम पे क्या नहीं एक्ट कर रहा? अनबैलेंस फोर्सेस नहीं एक्ट कर रहा। तो व्हेन द सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दैट मींस, व्हाट डज दैट मीन? देयर आर नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। और सिस्टम के अंदर भी, ऑल्सो इनसाइड द सिस्टम, देयर आर नो अनबैलेंस फोर्सेस। अब इसका मतलब क्या होता है? इसलिए मैंने बोला फिजिक्स इज लाइक एसे राइटिंग, यू अंडरस्टैंड वन थिंग, यू इलाबोरेट, समझाते जाओ। अब एक बात बताओ, फोर्स नहीं लगने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स जीरो मतलब क्या? जीरो। एक्सेलरेशन मतलब आप बोल सकते हो द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज जीरो, सो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज जीरो। वो सब नोट्स में लिख के दिया है मैंने। अब एक बात बताओ, जब एक्सेलरेशन जीरो हो मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, तो dv by dt equal to zero, मतलब क्या? velocity is constant। तो mechanical equilibrium का मतलब ये होता है that the net force is zero। इसका मतलब ये भी होता है that the acceleration of the system is zero। इसका मतलब ये भी होता है कि there is no change in the velocity of the system or anywhere inside the system। Correct? इसका मतलब ये भी होता है that the pressure is same everywhere। क्यों? What is pressure? Force by area। अब जब अनबैलेंस फोर्सेस नहीं है, मतलब हर जगह में फोर्स सेम है, बैलेंस फोर्स है, तो प्रेशर भी क्या है? सेम है। यहाँ तक क्लियर? गुड। तो एक छोटी सी चीज, इट विल लीड टू डिफरेंट कंक्लूजन। और आप देखोगे खासकर तो जेई के लिए, स्पेसिफिकली फॉर दैट जेडब्ल्यू के लिए, आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे तुमने सुना मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स इज जीरो, मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड प्रेशर इज सेम एवरीवेयर। यहाँ तक क्लियर? गुड गुड गुड। तो अब ये जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, ये तीन टाइप के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। एक को आप बोलते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक को आप बोलते हो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक को आप बोलते हो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल और ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम सिंपल एग्जांपल्स। चलो बिफोर आई गो अहेड विद स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, आई वुड वांट टू नो व्हाट हैपेंस इफ आई ड्रॉप दिस ऑब्जेक्ट, सिर्फ छोड़ दिया, इट स्टार्ट्स मूविंग डाउन, करेक्ट? तो ये फ्लोर तक आके रुक गया, करेक्ट? पक्का? गुड, सही है। पहले तो बताओ ऐसा क्यों हुआ कि वो नीचे क्यों गया? नंबर टू, ग्रेविटी इज वन, ऑफ कोर्स ग्रेविटी इज द रीजन, बट ग्रेविटी इज नॉट द ओनली रीजन। नंबर टू, मेरा दूसरा क्वेश्चन, आई सेड आई वांट टू नो टू थिंग्स, नीचे क्यों गया, और नीचे गया तो ये फ्लोर पे आके क्यों रुक गया? क्योंकि इसके नीचे भी जा सकता है, वी आर ऑन द सेकेंड फ्लोर, इट कैन स्टिल गो डाउन। पता हो, अब सोचो, यू सेड ग्रेविटी, इट वॉज वन ऑफ द रीजन ऑफ कोर्स, तो फिर और नीचे क्यों नहीं गया? इक्विलिब्रियम है, फोर्स इज अनबैलेंस्ड, वेट एक्शन और नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू फ्लोर इज बैलेंस्ड, गुड। अदर रीजन, एवरी बॉडी, अभी मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, विल अप्लाई टू दिस यूनिवर्स। Every body in this universe is trying to achieve a state of minimum potential energy. Stable equilibrium मतलब minimum potential energy. कोई भी body हो, anything, you can apply this concept to anything. All the bodies try to achieve a state of minimum potential energy. उसी को तुम stable equilibrium बोलते हो। मैं समझाऊंगा अब, लेकिन पहले पता होना चाहिए। अब अगर मैं इसी pen को खिड़की के बाहर से drop करता हूँ, तो अभी फ्लोर पे नहीं रुकेगा वो, और नीचे जाएगा। कहाँ तक जाएगा? ग्राउंड। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे, बराबर। तो फ्लोर पे, इस फ्लोर पे उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, मतलब मिनिमम नहीं है। और अगर खिड़की के बाहर ड्रॉप किया तो ग्राउंड तक जाता है, क्योंकि ग्राउंड मतलब हाइट इज जीरो। तो जितना हाइट कम रहेगा
जितना हाइट कम रहेगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, तो वो बॉडी तब तक नीचे जाते रहेगा जब तक उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं होता। तो फिर ये फ्लोर पे आके क्यों रुक गया, क्योंकि ये फ्लोर पे उसका लोकल मिनिमम है। लोकल मिनिमम मतलब एक रीजन में सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी। मैंने यहाँ से ड्रॉप किया तो ये नीचे जा रहा था, 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 ये प्लेटफॉर्म पे जिस पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे आके वो रुक गया। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये उस ऑब्जेक्ट का क्या है, लोकल मिनिमम है, लोकल। अब मैंने प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूर उसको छोड़ा तो कहाँ तक जाएगा, फ्लोर तक जाएगा, तो उसका फ्लोर वो नया लोकल मिनिमम है। मैंने खिड़की के बाहर ड्रॉप कर दिया तो कहाँ तक जाएगा, ग्राउंड तक। ग्राउंड ये उसका ग्लोबल मिनिमम है, लोकल नहीं है वो, अब वो ग्लोबल मिनिमम है। यहाँ तक क्लियर? तो एक ऑब्जेक्ट तब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आता जब तक उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या नहीं हो, मिनिमम, राइट, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर? अब प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बोलता हूँ तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का जो लोकेशन होता है वो लोकल मिनिमम वाला भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आते हैं इस स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा सरफेस था उसमें एक पॉट होल था, एंड आई होप दैट यू नो व्हाट इज द मिनिमम पॉट होल, राइट। एक खड्डा है यहाँ पे, गुड। देन लेट्स से यू हैव अ पॉट होल हियर, लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे, राइट। नाउ इफ यू सी, ये ऑब्जेक्ट जहां पे अब है वो सबसे कम हाइट वाला पॉइंट है, तो वो क्या है, लोकल मिनिमम है, मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, राइट, करेक्ट। सो इफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, सो इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट बट एट द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, मतलब वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, स्टेबल। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए तुम और एक चीज यूज कर सकते थे। व्हाट यू कुड हैव सेड इज कि एक काम करो, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करो और रिलीज कर दो। तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को इसके इक्विलिब्रियम के पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया और छोड़ दिया। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? ऐसा लिया, छोड़ दिया, क्या हुआ? अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये इनिशियल पोजीशन पे वापस जाएगा, मतलब ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस जाएगा, करेक्ट। जिनको अभी भी नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, रुको मैं बता देता हूं वापस। बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट इज टू सिंपल, थोड़ा सा इसको अभी जूम करके दिखाते हैं। तो ऐसा था, यहाँ पे एक पॉट होल जैसा कुछ तो था, समथिंग लाइक अ पॉट होल। एक ऑब्जेक्ट है, वी हैव सम काइंड ऑफ बॉल, स्मॉल सर्कुलर बॉल, इट इज हियर, ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है और ये उसका लोकल मिनिमम वाला है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को इसके इक्विलिब्रियम से स्लाइटली डिस्प्लेस किया, स्लाइटली, और रिलीज कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इट्स मूव टुवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऐसे इक्विलिब्रियम को तुम बोलते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम एंड रिलीज, इट रिगेन्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब इट मूव टुवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, सच एन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम का ही पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ये चीज़ भूलो मत। ऑब्जेक्ट तब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आता जब तक उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, और पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करता है, तो जो सबसे कम हाइट वाला पॉइंट होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, करेक्ट। ज्यादा क्लियर, गुड। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। तो अब ऐसा करते हैं, एक ही
हिल जैसा स्ट्रक्चर लेते हैं, तो लेट अस टेक समथिंग लाइक अ हिल एंड नाउ लेट अस से कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मतलब ऑब्जेक्ट इसमें है इक्विलिब्रियम में, तो वो भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है, सिर्फ यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ना तो ये जो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पोजीशन है, क्योंकि सबसे ज्यादा हाइट है, मैक्सिमम हाइट, हाइट ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होता है, एमजीएफ होता है इफ यू रिमेम्बर करेक्ट। अब अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया क्या होगा, it will never go back to its equilibrium position, in fact it will move away from its equilibrium position, such an equilibrium is called as unstable equilibrium. to aisa equilibrium position jahan se aap object ko slightly displace kar rahe ho aur wo equilibrium position se dur ja raha hai aur wapas kabhi nahi aayega, to such an equilibrium is called as unstable equilibrium. ye yaad rakhna गुड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो जो पॉइंट था वो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट था, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट था, यस क्योंकि फोर्सेस बैलेंस थे, लेकिन वो जो पॉइंट था वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट था, तो जो पॉइंट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट होता है इट रिप्रेजेंट्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर आता, गुड। बाकी थ्योरी तो आपको पूरा एडवांस में मिल ही जाएगा, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिर हम देखते हैं व्हाट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल ये न्यूट्रल है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो डजंट मैटर, तो आई हैव अ एक्सट्रीमली फ्लैट सरफेस, देयर इज नथिंग लाइक अ पॉट होल, देयर इज नथिंग लाइक अ हिल, एवरीवेयर द हाइट इज सेम, व्हाट डू यू थिंक। तो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, इक्विलिब्रियम में है ऑफ कोर्स, क्योंकि फोर्स का बैलेंस, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे इक्विलिब्रियम में। अब इसको मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, वो वहीं पर रुक जाएगा। सो इन दिस केस इफ यू स्लाइटली डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज द ऑब्जेक्ट स्टेज देयर, रिमेन्स देयर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये पूरे सरफेस पे हाइट सेम है, हाइट सेम है मतलब पूरे सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी सेम है, सो एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो तीन टाइप के इक्विलिब्रियम है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए, तो व्हाट इज द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू यू, व्हेन द नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल और अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। करेक्ट, राइट। अब फोर्स जीरो होने का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो, सो व्हेन द सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम और एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम इज जीरो, व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो इट मींस दैट देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम और एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम, राइट, व्हिच आल्सो मींस दैट द प्रेशर इज सेम एवरीवेयर। वो हम लोग 12th में डिस्कस कर ही लेंगे, राइट। वो प्रेशर सेम है कि नहीं वो हम लोग सॉलिड्स के लिए बोलते नहीं, हम लोग लिक्विड्स और गैसेस की बात करते हैं, तो दैट इज व्हाई आई एम नॉट पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन प्रेशर। तो हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं फोर्स का, एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का। और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में तीन टाइप थे, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो पार्टिकल है वो उसके लोकल मिनिमा पे, लोकल मिनिमा मतलब वो ऐसा पोजिशन, अभी लोकल क्यों मैं बता देता हूँ आपको, यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाई आई एम कॉलिंग दिस लोकल मिनिमा। भाई ऐसा है, एक बॉल था वो आ रहा था, वो बेचारा आगे खड्डे में फंस गया और आगे जा ही नहीं पाया वो, लेकिन अगर आगे जाता तो हो सकता है कि आगे और बड़ा खड्डा हो, तो मिनिमा ये वाला है कि वो वाला है, और दूसरा वाला है, लेकिन ऑब्जेक्ट वहां तक पहुंचा क्या, नहीं, तो हमारे लिए रेलेवेंट है क्या, नहीं, तो छोड़ दो, तो ये मिनिमा है लेकिन ये लोकल मिनिमा है, क्योंकि इसके आगे और भी मिनिमम पोजीशन हो सकता था, इसलिए क्या बोलते हैं लोकल। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इक्विलिब्रियम इन इट्स लोकल मिनिमम, देन द पोजीशन इज सेट टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑल्सो इफ यू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट स्लाइटली एंड रिलीज इट, द ऑब्जेक्ट ट्राइज टू रिगेन एंड इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, देन सच एन इक्विलिब्रियम इज सेट टू बी स्टेबल। इन केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम द ऑब्जेक्ट इज एट इट्स लोकल मैक्सिमा, दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। If you release the object, and if you slightly displace the object and release it, it never goes back to its equilibrium position. It moves away from that equilibrium position, then it is said to be
अनस्टेबल है। और न्यूट्रल में कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल में तुम उसको उठा के कहीं भी रख दो, इट स्टेज देयर। क्लियर है तक? गुड। अब हम जानेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आज मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज सेंटर ऑफ मास। अब जो JEE मेंस तक का जिनका फोकस है, कम से कम इस साल के लिए उन्होंने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट डिलीट किया है, लेकिन एडवांस में फिर भी आ सकता है। और वैसे भी आपको स्टेट बोर्ड में है, मतलब CET में है, तो सीख ही लो। और कुछ इट्स नॉट रॉकेट साइंस, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि यू शुड नॉट बी स्किपिंग दिस। सेंटर ऑफ मास इन जनरल इज कॉल्ड एज CUM। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? आज एज आई टोल्ड यू, आई जस्ट गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। आई एम फ्रॉम द कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? यू नो, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ? फर्स्ट लॉ क्या है? व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एवरी बॉडी, वेरी गुड। एंड आप नॉर्मली जब लिखते हो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आप लिखते ही गलत हो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आप क्या बोलते हो? एवरी ऑब्जेक्ट और एवरी बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड टू इट। पहली बात तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ये एक्सटेंडेड बॉडीज, बड़े बड़े बॉडीज, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए है ही नहीं, ये पार्टिकल्स के लिए होता है। तो आपने बोलना चाहिए था एवरी पार्टिकल if it is at rest or in a state of uniform motion, it stays in that state unless an external unbalanced force is applied to it. So the idea here is ki jo aap Newton's laws of motion ki baat karte ho, wo bade objects ke liye applicable hai hi nahi, it is applicable only for point particles, correct? Hum log kya karte hai na, hum log Newton's laws of motion kisi bhi body mein apply kar dete hain. अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हो पॉइंट पार्टिकल के लिए, तो पॉइंट पार्टिकल के लिए क्या होता है? मैंने बोला कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया तो बॉडी का, मतलब पार्टिकल का स्टेट चेंज होगा क्या? नहीं। अगर मैंने अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा। किसका? पार्टिकल का, राइट? तो यहाँ पे दो बड़े क्वेश्चन आते हैं। If I say that I am applying an external unbalanced force on a particle, so I know the point of action. मुझे पता है कि action मतलब force लग कहाँ रहा है। अगर मैं particle की बात करता हूँ, तो I know that the point of action is the particle itself. और अगर external force लगा, तो वो momentum change करेगा। तो momentum change किसका हो रहा है? Particle का हो रहा है। या फिर क्या होगा? Acceleration होगा। किसका हो रहा है? पॉइंट पार्टिकल के बारे में। क्लियर? बराबर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा देते हैं बिना सोचे समझे। वी जस्ट अप्लाई, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉल है, स्पीयर है, इस पर मैं फोर्स लगा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आता है, फोर्स तो एक पॉइंट पे लगता है, तुम यहाँ पे फोर्स किस पे लगा देते हो? फोर्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड हियर, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर point particle. Here is not a point particle. Then the question is that exactly at which point the force is being applied. और दूसरा question ये आता है कि फिर force क्या produce करता है? तो किसका acceleration हो रहा है? कौन से particle का acceleration हो रहा है? कौन से point का acceleration हो रहा है? तो the problem is, पहले दो problem समझ लो, वो मैंने notes में लिखे हैं। The idea here is that the Newton's force of motion or Newton any law of motion, they are basically applicable to point particles. But when you apply Newton's laws of motion to extended objects like a ball, the question, there are two questions that we have. So two question arises. Number one, ये जो तुमने force लगाया, exactly कौन से point पे लगा? तो वो लिखा है मैंने. Exactly at which point the force is acting. Number two, acceleration of which point is being considered? तो कौन से पॉइंट का एक्सेलरेशन? तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास का आइडिया आज समझ लो, फॉर्मूला कर लेंगे। आइडिया ये है कि अगर मेरे पास ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, पूरा का पूरा मास एक सिंगल पॉइंट में होता, सिंगल पॉइंट में होता, मतलब पूरे ऑब्जेक्ट का मास एक सिंगल पॉइंट में होता,
तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा? उस पॉइंट पे। और जब इस पर फोर्स लग रहा होता तो ये क्या परफॉर्म कर रहा होता? ट्रांसलेशन मोशन, मतलब इसका क्या हो रहा होगा? एक्सेलरेशन। यहाँ पर समझ में आया बराबर? तो ये जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इस अभी क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स है। यहाँ पे सेंटर में पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, हर जगह पे है, दे आर एवरीवेयर। अब मैं सारे तो नहीं दिखा सकता, तो उसमें मैं दो ही दिखा रहा हूँ, मैं सेंटर पर दिखा रहा हूँ और एक दूसरा दिखा रहा हूँ नॉन सेंटर, करेक्ट? तो जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, राइट, तो सेंटर के पार्टिकल को छोड़ के जब फोर्स लगेगा तो बॉडी क्या होगा? मोशन में आएगा, मतलब क्या होगा? रोलिंग होगा। रोलिंग होगा तो बाकी सारे पार्टिकल्स क्या परफॉर्म करेंगे? सर्कुलर मोशन, करेक्ट? सिर्फ एक ही ऐसा पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में मूव होने वाला है, कौन सा? सेंटर। तो इसका मतलब ये होता है देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ द बॉडी विच बिहेव्स एग्जैक्टली इन अ सिंगुलर वे एज दैट ऑफ अ पॉइंट पार्टिकल। तो द मोशन ऑफ ओनली वन पॉइंट और वन पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज सिमिलर टू पॉइंट मास। ज्यादा क्लियर? करेक्ट। फिर एक्सीलरेशन किसका हो रहा है? तो एक्सीलरेशन भी उसका ही मान लो, क्योंकि बाकी सबका एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, इसका क्या होगा? लीनियर ट्रांसलेशनल, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, कटिंग इट शॉर्ट, हम लोग करते क्या है, हम लोग एक बड़ा बॉडी लेते हैं, उसके सारे मास को एक सिंगल पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड है ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, और वो पॉइंट कौन सा है जो एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे एक पॉइंट मास बिहेव करना चाहिए था, और उस पॉइंट को बोल देते हो सेंटर ऑफ मास। तो डिफाइन कैसे करोगे? सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट ऑफ द बॉडी एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। और ये सब हमने क्यों किया? सो दैट वी कैन मेक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड, मतलब टू स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो अगर आप डेफिनेशन देखो, ये वहाँ पे लिखा है सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, लिखा है ऐसा, राइट? इन ऑर्डर टू स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बिकॉज द प्रॉब्लम हियर इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स लाइक बॉल या स्पीयर के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डिफाइन ही नहीं होते, वो होते ही किसके लिए? पॉइंट मास। तो हमने क्या किया, पूरे बॉडी का मास एक पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड है ऐसा इमेजिन कर लिया, अज्यूम कर लिया, करेक्ट? तो फोर्स कहाँ लग रहा है? उस पॉइंट पर लग रहा है, और ट्रांसलेशन मोशन कौन परफॉर्म कर रहा है? वही पॉइंट कर रहा है, और रिलैक्सेशन किसका हो रहा है? उसी पॉइंट का हो रहा है। तो उस पॉइंट को क्या बोल दिया हमने? सेंटर ऑफ मास। और ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग जितने भी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यू नो व्हाट आर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स? मैथ्स, इसके लिए मैं हजार बार बोलता हूँ कि फिजिक्स विदाउट मैथ्स इज नथिंग। लाइक अ स्पीयर, लाइक अ सर्कल, मतलब रिंग, करेक्ट? लाइक अ क्यूब, लाइक अ स्क्वायर, लाइक अ लेकिन से रेक्टेंगल को भी एट सम व्हाट यू कैन से सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होता है। तो स्पीयर का ज्योमेट्रिकल सेंटर इज सेंटर ऑफ मास, सर्कल का सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर इज सेंटर ऑफ मास, करेक्ट? लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया, लेट्स से ऐसा एक कोई ऑब्जेक्ट है विच इज बेसिकली नॉन सिमेट्रिकल, तो इस केस में सेंटर ऑफ मास होता है जहाँ पे ज्यादा मास हो। सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टेड टूवर्ड्स मोर मास कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर यहाँ तक? तो आज का लेक्चर थ्योरेटिकल था, कल हम लोग सेंटर ऑफ मास के बेसिक फॉर्मूला देखेंगे। आपको सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला डिराइव नहीं करने, सिर्फ याद रखने हैं, एंड विल सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन। तो दैट्स इट फॉर टुडे।